नलसर झील के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। झील के सौंदर्यीकरण के लिए प्रथम चरण में लगभग 16 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिसमें पंचायत प्रधान मनरेगा के तहत 5 लाख, 14वें वित्त आयोग के तहत लगभग 3.5 लाख और पर्यटन विभाग की ओर से 8 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 4 लाख खर्च किए जा चुके हैं। इन दिनों झील के किनारे बनी सड़क के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। सड़क निर्माण के कार्य को जांच करने के लिए खंड विकास कार्यालय बल की ओर से एसडीओ जितेंद्र कुमार व कनिष्ठ अभियंता चंद्र प्रकाश कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे और कार्य की जांच की, जिन्होंने पंचायत प्रधान को निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश जारी किए। पर्यटन विभाग नलसर झील का सौंदर्यीकरण कर संवारना चाहता है, जिसके लिए पर्यटन की दृष्टि को ध्यान में रखकर झील के चारों ओर सड़क का निर्माण कार्य, निकासी नालियों का निर्माण, फेंसिंग, सोलर लाइट्स के साथ बोटिंग सुविधा व पार्क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। नलसर पंचायत के प्रधान विनोद ठाकुर का कहना है कि ऐतिहासिक नलसर झील का परिक्षेत्र लगभग 45 बीघा जमीन में फैला है। ऐतिहासिक तौर पर झील से लोगों की आस्था भी जुड़ी है। झील का इतिहास मंडी जिला के आराध्य देव कमरूनाग से जुड़ा है। पर्यटन की दृष्टि से झील को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। आने वाले समय में झील में सौंदर्यीकरण होने पर यहाँ पर्यटक की आमद में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय लोगों को भी सुबह शाम सैर करने के लिए सुरक्षित व स्वच्छ आवो हवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि झील के सौंदर्यीकरण को करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें कि झील के चारों ओर सड़क का निर्माण व नालियों का निर्माण, फेंसिंग कार्य, सोलर लाइट पेवर, झील के गाद निकालने का कार्य, बोटिंग सुविधा के साथ पार्क का भी निर्माण किया जाना है। कोट्स नलसर झील को पर्यटन की दृष्टि से संवारने के लिए प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत झील को सुधारने का कार्य पंचायत द्वारा शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में झील को और अधिक सुंदर बनाने के लिए प्रदेश सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी। पर्यटन विभाग से जो 8 लाख की धनराशि स्वीकृति की गई थी ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसका कार्य जो है पंचायत द्वारा जो है शुरू कर दिया गया है और अतिशीघ्र इस तालाब को जो है सौंदर्य उसका जो है कर दिया जाएगा। और दूसरा जो है मनरेगा के तहत भी जो है इसके लिए जो है 5 लाख की धनराशि जो है स्वीकृत कर दी गई है और फोर्टीन फाइनेंस से जो है पंचायत द्वारा जो है 2.5 लाख की धनराशि से जो है नलसर तालाब का जो है पंचायत द्वारा जो है ब्यूटिफिकेशन का कार्य जो है गति से किया जा रहा है और इस कार्य को जो है पंचायत 1.5 महीने के समय में जो है कवर करने की पूरी कोशिश करेगी और आगे के लिए भी जो भी इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो भी प्रपोजल हायर अथॉरिटी से हमें दी जाएगी उसके अनुरूप जो है इसका प्राकलन तैयार करके जो है इस तालाब को जो है निहारा जाएगा, ताकि जो है हिमाचल प्रदेश से विभिन्न जिलों से जो है बाहर के प्रदेशों से जो लोग आए और जो है इसकी ब्यूटिफिकेशन का जो है मजा लें। हमारा एक यह मानना है कि जो है नलसर तालाब जो 47 बीघे का है, इस तालाब के लिए जो हमने एक प्राकलन जो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके तहत हम जो है इसकी जो है साफ सफाई करना चाहेंगे और इसकी गाद निकाल के जो है इसमें बोटिंग सिस्टम करना चाहते हैं और चारों तरफ इसके जो है फेंसिंग और पार्क और सोलर लाइट और सोलिंग कंक्रीटिंग और पेवर ब्लॉक तैयार करके जो है इसको जो है हम डेवलप करना चाहेंगे। हमारा इसमें जो है स्थानीय लोगों का और सरकार का भी जो है पूर्ण सहयोग है इसको डेवलप करने में। भविष्य में जो है इस 47 बीघे के तालाब को जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डेवलप किया जाएगा। मेरे अनुमान अनुसार मंडी डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा तालाब कहीं और नहीं है सिवाय रिवालसर, नलसर, परासर और कमरूनाग झील के पैरेलल जो है ये तालाब जो है बहुत बड़ा तालाब है, जिसके चारों तरफ जो है रोड बना हुआ है और पार्किंग के लिए जगह है और ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से जो है इसको काफ़ी जो है आगे ले जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को डेवलप करने में जो है पंचायत को आश्वासन दिया है कि इस तालाब को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर जो है इसको निहारा जाएगा और माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी ने भी जो है इस तालाब को
डेवलप करने के लिए माने मुख्यमंत्री से बात की है, और इसके लिए भी जो है सोलर लाइट और दूसरे कार्यों के लिए जो है फेंसिंग और सोलर लाइट के लिए जो है धनराशि अतिशीघ्र जो है स्वीकृत करने का जो है पंचायत को आश्वासन दिया है। इस चीज इन सब चीज़ों के लिए जो है मैं माननीय विधायक महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और स्थानीय लोगों का जो है धन्यवादी रहूँगा कि जो है हम सब एकजुट होकर जो स्थानीय लोग जो है इस तालाब को जो है डेवलप करने में जो है सभी का जो है सलाह मशवरा लेके जो इसको डेवलप किया जा रहा है, और इस चीज़ के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है। इस चीज़ के लिए जो है हम सभी आला अफसरों का और पॉलिटिशियनों का और स्थानीय लोगों का जो है धन्यवाद करते हैं जो नलसा तालाब के डेवलपमेंट में जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।